क्या आप जानते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस सृष्टि का उद्धार करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो अगर आप ठान लें तो आप कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि पॉजिटिव जो काम करना चाहते हैं आप, अगर उसको अपने मन में डिटरमाइन कर लें तो आप कर सकते हैं? नमस्ते, मैं हूँ नीरजा, योगा टीचर, और आज मैं आपको बताऊँगी कि अफर्मेशंस क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल योगा विद नीरजा से। कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है उसमें दो तरह की शक्तियाँ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव शक्तियाँ जो हैं वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके लिए काम करती हैं, और नेगेटिव शक्तियाँ आपके नेगेटिव एटीट्यूड को अट्रैक्ट करती हैं। एज ए पर्सन हम जो भी सोच रखते हैं, अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पूरी यूनिवर्स हमें उस तरह से बना देती है। कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं और नहीं में ही हमेशा आपका आंसर रहता है या आपकी बातें रहती हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स उस तरह से काम करता है और आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर उसके अपोजिट में अगर आप इस तरह काम करते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा एफर्मेटिव बातें करते हैं, हमेशा सकारात्मकता आपके अंदर रहती है, तो ये पूरी यूनिवर्स जितनी भी पॉजिटिविटी इसमें है वो आपके लिए काम करने लगती है और आपके काम को आसान बना देती है। तो अफर्मेशंस क्या हैं? अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपके लिए वैसे ही काम करने लगती है। तो अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको अपने लाइफ और अपने काम के लिए यूज़ करना चाहिए। कैसे, वो देखते हैं। ये कैसे काम करता है? जब आप पॉजिटिव बातों को बार बार बोलते हैं तब पूरी तरह से आप पॉजिटिव होते जाते हैं और यूनिवर्स की पॉजिटिविटी आपके उस काम को हेल्प करने लगती है और उस तरह आपका काम पूरा होता चला जाता है। आप जैसे सोचते हैं पॉजिटिव होते चले जाते हैं, जैसे ही आप उस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही आपके अफर्मेशंस कंप्लीट होते चले जाते हैं। तो अफर्मेशंस को किस तरह और कैसे बनाएं ये देखते हैं। अफर्मेशन काम ऐसे करते हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी और यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मिलकर काम करती है। आप ये जब काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। जब आप जो सोचते हैं और पॉजिटिवली बात करते हैं और वो होता चला जाता है तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगने लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से काम को कर सकते हैं। तो इस तरह अफर्मेशंस आपके लिए काम करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे हों इस पर बात करेंगे। तो वो पॉजिटिव हों, छोटे हों, और पहले आप अपने जो चीज़ें आपको चाहिए, जो काम आप पूरा करना चाहते हैं उस काम से रिलेटेड स्पेसिफिक हों। सपोज मैं चाहती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से चलने लगे, तो मुझे उस तरह से एक छोटा सा स्टेटमेंट पॉजिटिव बनाना चाहिए जो हमें हर रोज़ सुबह शाम दोपहर उसको रिपीट करना है, उसको बोलना है। तो सबसे पहले आप अपने एरिया को स्पेसिफिक हो जाए। दूसरा, अफर्मेशन ऐसे ना हो जो अचीवेबल ही ना हो, जो असंभव हो। आप पहले छोटे छोटे अफर्मेशन जो अचीवेबल हों, छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको लगता है कि आपको करना चाहिए और वो आपको मिलेंगी ही, इस तरीके के छोटे छोटे अफर्मेशंस बनाएं जो अचीवेबल हो और जो पॉजिटिव हो। तीसरा, उन अफर्मेशंस पे आपको विश्वास हो। वो जो आप सेंटेंस बनाएं उन सेंटेंस को बोलने के समय आपको पूरा विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है और तब बोलना है, तभी वो आपके लिए काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ दो तीन चीज़ें हैं अफर्मेशंस के लिए, वो ज़रूरी हैं। उस तरह से आप एक लिस्ट बनाएं और उन अफर्मेशंस को राइट डाउन करें, उसको हर रोज़ लिखें। लिखने से क्या होता है कि आप जब लिखते हैं तो आपका माइंड उसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लेता है, ग्रास्प कर लेता है, और माइंड जो है उस तरह से मेकअप हो जाता है। उसके बाद आप सुबह या शाम दोपहर को जब भी आप बैठे तब उन अफर्मेशंस को रिपीट करें और रिपीट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें, ये काम मेरा पूरा होगा, ये मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे विश्वास है ये होगा ही। तो इस तरह से आप अफर्मेशंस की ताकत को देख सकेंगे। कहते हैं एज यू थिंक यू बिलीव, एज यू बिलीव यू रिसीव। आप जो सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तब
तब आप उसको ज़रूर पा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने खुद करके देखी हैं, ये कहीं से पढ़ी सुनी बातें नहीं हैं। अफर्मेशंस आपके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करते ही हैं। तो अब हम अफर्मेशन की एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आई कैन डू दैट वर्क, जो भी काम आप करना चाहते हैं। अफर्मेशन के तौर पे जैसे कह सकते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम हेल्दी, और जो भी है, मैं खुश हूँ, ये पूरी यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रही है, मैं इस पूरी यूनिवर्स के लिए हूँ, मेरा जो ऑफिस है या जो भी काम है वो सक्सेसफुल हो रहा है। इस तरह के अफर्मेशंस की पहले लिस्ट बनाएं, ये एग्जांपल्स हैं, और फिर उसको लिखें, उसके बाद उसको आप बोलें और फिर विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन इज़ आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, हमने सबसे पहले कहा अफर्मेशन बनाएं, उसके बाद अफर्मेशंस को लिखें, उसके बाद रिपीट करें, एंड देन विजुअलाइज। हाउ टू विजुअलाइज वो भी देख लेते हैं। विजुअलाइज करना मतलब आप जब कोई काम को कर रहे हैं और वो काम आप होते हुए देख रहे हैं, जैसे आपको पतला होना है, यू वॉन्ट टू बिकम थिन, आप अपने फैट लॉस को करना चाहते हैं, आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो आप आँख बंद करके बैठ जाइए, डीप ब्रेथ करिए, अफर्मेशन जो आपने लिख चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं, उसको होते हुए देखिए, अपने आप को जिम जाते हुए देखिए, डाइट जो भी आप कर रहे हैं उसको खाते हुए देखिए, फिर उसको आप फील करिए कि आप धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, धीरे धीरे आप बॉडी शेप में आ रही है, अपने आप को एक शेप में होते हुए देखिए। तो विजुअलाइजेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब विजुअलाइजेशन को आप मेडिटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन में हमेशा ही सिखाती हूँ, आप एक जगह बैठ जाएं, शांति से आँख बंद करें और जो भी आप चाहते हैं उसको होते हुए देखें। तो अफर्मेशन आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। ये मेरे साथ हो चुका है और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, तो ये काम करता है। अब आज आपके लिए एक टास्क है, ये यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए मैंने वीडियो बना दिया, आपने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, सही है, बट आपको पता कैसे चलेगा ये काम करता है। तो आपको एक काम करना है, आपको अफर्मेशन की लिस्ट बनानी है 4 से 5, और उस अफर्मेशन की लिस्ट को मेरे साथ शेयर करना है, 5, 6, 7 जितने भी आप बना सकते हैं। जिनके अफर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे उनको मेरी तरफ से 100 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा, 100 रुपीज़ का कैशबैक 100% मिलेगा। सो 10 तक लोगों को मिलेगा, 10 लोग जिनके अच्छे होंगे अफर्मेशन उनको मैं पेटीएम करूँगी, और वो जो आपके अफर्मेशन, उन अफर्मेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर और उनके बारे में बात करूँगी कि उन अफर्मेशन को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। जो 10 लोगों के अफर्मेशन मुझे पसंद आएंगे उनके अफर्मेशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी आपके नाम के साथ कि इन अफर्मेशन को आप कैसे कंप्लीट करें, और उन पे कोशिश करूँगी विजुअलाइजेशन का एक वीडियो बनाऊँ जिससे आप विजुअलाइज करके अपने अफर्मेशन को पूरा कर सकें। तो ये टास्क आपके लिए रहा, ये टास्क करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके अफर्मेशन लिख कर बताइए, और उसके बाद वेट करिए, मैं आपको रिवॉर्ड देने ज़रूर आऊँ। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और योगा विद निशा के साथ बने रहें, मेरी फैमिली को बड़ा करें, मुझसे जुड़े रहें और आपसे जुड़ने का मौका दें। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।